आज की खुशखबरी बचन के द्वारा आप कैसे जय पाए। बचन के द्वारा आपका जीवन कैसे परिवर्तन है, हर एक परिस्थिति से कैसे आप जय पाए, चाहे बीमारी हो, गरीबी हो, शत्रुओं का तड़ना हो, परेशानी हो, वचन के द्वारा आप कैसे जय पाएं। बाइबल में लिखा है, पहला कुरंथी 1 अध्याय उसका 18 पद में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, क्रूस की कथा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ्य है हमारे लिए, विश्वास करने वालों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। एफेसी उसका 6 अध्याय उसका 13 पद में ऐसे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। कितना भी बुरा दिन क्यों ना हो आपका जीवन में, कितना भी परेशानी क्यों ना हो, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरा दिन में सामना कर सको। आज बहुत लोग बुरा दिन को, बुरा समय को, बुरा परिस्थिति को सामना नहीं करके नष्ट हो जाते हैं, लेकिन खुशखबरी है परमेश्वर का वचन हमारा पास में है। परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके आप सब कुछ पूरा कर सकते हैं। एक एक रेफरेंस में लिखा है सर्वजयी, आप सब बात में जय पा सकते हैं। क्या क्या है आप नीचे पढ़ेंगे तो 17 पद तक उसमें लिखा है, अरे उद्धार की टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार, तलवार इसलिए है कि लड़ने के लिए, आत्मा की तलवार, जितने भी परेशानी होता है आत्मिक ओर से होता है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर की वचन। जब आप आत्मा के तलवार को यूज करना जान जाएंगे, परमेश्वर के वचन को व्यवहार करना जान जाएंगे, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे जान जाएंगे, आप सब कुछ पूरा कर सकते हैं, सब बातों में जय प्राप्त कर सकते हैं। उसी शब्द लिए आप सब बातों में जय प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ पूरा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। आप बुरे दिन में सामना कर सकते हैं और सब कुछ पूरा कर सकते हैं, सिर्फ उतना नहीं, स्थिर रह सकते हैं, आप स्थिर रह सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन को ले लो, परमेश्वर का वचन को ले लो। इसलिए भजन संहिता उसका 57 अध्याय उसका 2 से 4 पद में से लिखा है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, जो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आपके लिए असंभव है, आपका परिस्थिति से आप छूट नहीं पाते होंगे, गरीबी से, बीमारी से, कैसे भी क्यों भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप मुक्त नहीं हो पाते हैं। परमेश्वर बोलते हैं मैं सब कुछ सिद्ध करता हूँ। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। भजनकर्ता ने बोला, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। स्वर्ग से क्या भेजते हैं?
स्वर्ग से क्या भेजते हैं वो एंजल्स लोग को उत्तर, परमेश्वर स्वर्ग से भेज करके मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं का बीच में लटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य का बीच में जिसके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है, जिनके जीभ तेज तलवार है। हमको समझना है जीभ क्या है। बाइबल बताता है जिनकी जीभ तेज तलवार है, जिनके दांत बर्छी और तीर का जैसा है, उससे परमेश्वर हमें बचाएगा। स्वर्ग से भेजकर जो हमें निगलने वाला है, जो हमें निंदा कर रहा है, जो हमें परेशानी में डाल रहा है, उससे परमेश्वर बचाएगा। बाइबल बताता है शैतान भी लोगों का जीभ को इस्तेमाल करता है लोगों को नष्ट करने के लिए। शैतान को मालूम है, डेमन को मालूम है मनुष्य का जीभ में क्या पावर है, क्या सामर्थ्य है, जीभ क्या है। यह हम लोग देखें जिनकी जीभ तेज तलवार है, जिनके जीभ तेज तलवार है। जादू टोना करने वाला जीभ को इस्तेमाल करता है, जादू टोना करने वाला वो बलिदान देके, डेमन को बलिदान देके, उसको वर्शिप करके उसने उसका जीभ को इस्तेमाल करता है। हमें समझना है जीभ में क्या पावर है। इसीलिए भजन संहिता 73:9-10 में ऐसे लिखा है, वो मानव स्वर्ग में बैठे हुए हैं बोलते हैं, वो मानव स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं, इसीलिए उसकी प्रजा इधर लौट जाएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। वो स्वर्ग में बैठे हुए जैसे बोलते हैं, अब पृथ्वी में बोलते फिरते हैं, पृथ्वी में उनका जीभ चलते रहता है, पृथ्वी में उनका शब्द चलते रहता है और बहुत लोग उस वॉयस, उस शब्द का पीछे जा करके नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा शैतान भी लोगों का जीभ को इस्तेमाल करता है लोगों को नष्ट करने के लिए। जादू टोना से लेके श्राप, अब जो कुछ देख लीजिए, पीढ़ी पीढ़ी से शब्द आते रहता है, जादू टोना का शब्द, गरीबी का शब्द, बीमारी का शब्द, श्राप का शब्द। इसलिए यहाँ लिखे वे मानव स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं, वे मानव स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं लेकिन वो स्वर्ग में नहीं है, और पृथ्वी में बोलते फिरते रहे, पृथ्वी में उनका जीभ चलते रहता है, उससे उनका जीभ तेज तलवार के समान है। हम दानियल में देख सकते हैं, दानियल ने प्रार्थना कर रहा था लेकिन पृथ्वी में, आकाश में कैसे उसका प्रार्थना का रुकावट हो रहा था, लेकिन वो रुकावट नहीं कर सका क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला है। दानियल उसका 10 अध्याय उसका 12-13 पद में से लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन के जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ फरस की राज्य की प्रधान हकीम। 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल
जो मुख्य प्रधान में से है वो मेरी सहायक के लिए आया, इसलिए कि मैं फारस के राजा के पास रहा। 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधान में से है, मिखाएल जो परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत है, प्रधान है, उसने सहायता के लिए आया। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का उस वचन को विश्वास करते हैं, परमेश्वर की वचन को ले लेते हैं, आत्मा की तलवार जो वचन है, दुनिया का वचन, लोगों का वचन, शैतान जादू टोना का वचन, उसका जीभ से निकला हुआ शब्द वचन को आप सामना करके आप जय प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वचन बोलते हैं, स्वर्गदूत लोग आपको सहायता के लिए नीचे उतरते हैं। जब आप वचन बोलते हैं, जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, स्वर्गदूत लोग को आप काम करने के लिए देते हैं। आपका जीभ के द्वारा ओ शकाला करवा, आपका जीभ के द्वारा स्वर्गीय दूत लोग को बुलाते हैं, शैतान का दूत लोग से सामना करने के लिए, लड़ाई करने के लिए अब स्वर्गदूत लोग को बुलाते हैं उस वचन के द्वारा। जब आप वचन बोलते हैं, परमेश्वर का दूत लोग वचन के अनुसार आपके लिए सहायता करने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि भजन संहिता 103 उसका 20 पद में से लिखा है, हे यहोवा के दूतों तुम जो बड़े वीर हो। देखिए, यहोवा के दूतों बड़े वीर होते हैं। हम अभी देखें, दानियल ने प्रार्थना किया, परसिया के अधिपति 21 दिन तक रोक रखा, लेकिन मिखाएल जो परमेश्वर का दूत है उसने आया और जय किया। हे यहोवा के दूतों तुम जो बड़े वीर हो, वीर है, और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। दूत लोग वचन को मानते हैं। अब परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो दूत लोग उसको मानने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से भेजता है, आत्मा की तलवार जो वचन है उसे ले लो। परमेश्वर का वचन बोलते रहना है। क्यों? शैतान को मालूम है लोगों का जीव में क्या पावर है, लेकिन आज बहुत मसीह लोगों को, प्रभु का लोगों को मालूम नहीं उनका जीव क्या है, उनका जीव में क्या पावर है। बाइबल में लिखा है याकूब उसका 3:5-6 पद में, वैसा ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है, लिखा है जीभ भी एक आग है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक और सारे देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति को आग लगा देती है और नरक की कुंड की आग से जलती रहती है। हमारा जीव हमें नष्ट कर देता है, आपका जीव आपको नष्ट कर देता है। आपको समझना चाहिए आपका जीव क्या है। आपका जीव एक आग है, आप दूसरा को दोष लगाते रहते हैं। मनुष्य हार जाता है, दूसरा का दोष दे देता है, उसका चलते मेरा ऐसा हुआ बोलता है, उसका चलते मेरा ऐसा हुआ बोलता है। नहीं, बाइबल बताता है
जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारे देह पर कलंक लगाती है। जब आप खुद बोलते हैं, आपका जीवन की गति में आग लग जाती है। जब आप खुद बोलते हैं मेरा सब कुछ चला गया, आपका सब कुछ चल जाता है। जब आप खुद बोलते हैं मेरा बीमारी नहीं छूटता है, आपका बीमारी नहीं छूटता है। जब आप खुद बोलते हैं मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है, आपका पास कुछ नहीं रहता है। जीवन की गति में जीव आग लगा देती है, इसलिए लिखा है जीव भी एक आग है और जीवन के गति में आग लगा देती है। सिर्फ उतना नहीं, और नरक की कुंड की आग से जलती रहती है, आपको नरक की ओर जीव ले लेता है। बहुत प्रभु का लोग, प्रभु का संतान लोग आज कष्ट में है, तकलीफ में है, इसीलिए कि उनका जीव के द्वारा है। मेरा प्रार्थना है कि वो लोग सच्चाई को जाने, प्रभु का लोग सच्चाई को जाने। हमारा अच्छा परमेश्वर, अच्छा प्रभु उनका अंग को खोल दे, उनका जीव को कंट्रोल करे, और वो जीव से कष्ट नहीं जयवंत जीवन काटे, जय पाए। अगर आप यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, आप परमेश्वर का संतान है, आप परमेश्वर का संतान है, आप परमेश्वर का वचन को यूज करेंगे तो कितना कोई भी आपको जादू टोना क्या होगा, कितना भी शब्द, कितना भी श्राप दुनिया में जो फिरती रहती है वो आपको बोलते रहे, आप वो सबसे जय पाएंगे, आप वो सबसे जय पाएंगे। बहुत लोग, प्रभु का लोग बाप दादा से चले आ रहे शब्द से आज भी परेशान है, जादू टोना का शब्द से परेशान है, लोगों का शब्द से परेशान है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सावधान, तू क्या सुनते हो। लेकिन खुशखबरी है, आप वो सबसे जीत जाएंगे। परमेश्वर का वचन आप बोलेंगे तो परमेश्वर, यीशु मसीह को द्वारा परमेश्वर का वचन आप बोलते हैं तो यीशु मसीह का द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर का वचन आप बोलते हैं तो आप वो सबसे जीत जाएंगे। जैसा ये उसका 54 अध्याय उसका 17 पद में ऐसे लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, जितने, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। कितना बड़ा जादू टोना करने वाला क्यों ना हो, कितना बड़ा श्राप, कितना बड़ा परेशानी क्यों ना हो, आपका हानि के लिए जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा, कोई सफल नहीं होगा। और जितने लोग मुदाई होकर तुझ पर नालिश करें, जितने लोग तेरे विरुद्ध में बोले, तुझे नष्ट करने के लिए बोले, उनका जीव को वो यूज करें, उनका तलवार को वो यूज करें, जितने लोग मुदाई होकर तुझ पर नालिश करा था वो बोले, वो शब्द बोले, जितने लोग, उन सबों से तू जीत जाएगा, उस सबों से तू जीत जाएगा। उससे जीतने के लिए एक ही तरीका है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आप बोलिए, आपका जीव में पावर है, आपका जीव आग सा है। हम लोग अभी देखें, डॉक्टर जेम्स ने बताया हमारा जीव एक आग से है, हमें कोई नष्ट नहीं करता है, हम खुद को खुद नष्ट करते हैं। आप किसी को दोष नहीं दीजिए, आपका जीव क्या बोलता है सोचिए। यहाँ लिखा है सारे जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुर्दा होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। खुशखबरी है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा, यहोवा का दासों का। अगर आप
यीशु मसीह का द्वारा परमेश्वर का सेवा करते हैं, परमेश्वर का जन है, तो यह आपका हिस्सा है, यह आपका भाग है, ये आपका भाग है। आप वो सबसे जीत जाएंगे। इसलिए मैंने बोला वचन के द्वारा आप कैसे जय पाए, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जीत जाएंगे, जिंदगी में जीतते हुए बढ़ेंगे, आप हमेशा बढ़ते रहेंगे, जीते रहेंगे, जीत जाएंगे। फिर वहां लिखा है और वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का वचन में पावर है, हम उधार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। इब्रानी 4 के बारे में लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। उनका जीव तलवार है, तो परमेश्वर का वचन उनका वचन तलवार है, तो परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। उनका वचन में जीवन नहीं है, परमेश्वर का वचन में जीवन है और पावर है, प्रबल है, सामर्थ्य है। और वो क्या करता है, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छिकता है, और मन की भावना को और विचारों को जांचता है। बच्चन आपका मन की भावना को जांचता है, आप जान पाएंगे गलती दूसरा का नहीं मेरा है। आप जरा सोचिए, थोड़ा सा वचन बाइबल में लिखा है, कुछ शब्द एक पापी को स्वर्ग ले गया, लुका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 42-43 में लिखा है, यीशु मसीह क्रूस में लटकाए जाने के समय में दो डाकू, दो पापियों को उनका दोस्त तरफ रखा गया था। एक पापी क्या बोल रहा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। इतना शब्द उसने बोला, जरा देखिए, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। इतना ही शब्द उनको स्वर्ग ले गया, और यीशु मसीह ने उसी घड़ी उनको छुटकारा दिया, उसी घड़ी उनको बचाया। उसने उससे कहा, अब जीसस कह रहे हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज तेरा ये शब्द हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना, यही शब्द आज तुझे स्वर्गलोक में, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जरा सोचिए आपका जीव क्या फावर है। उस डाकू ने इतना ही शब्द बोला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेगा। तब यीशु मसीह ने उसी घड़ी उसको बचा लिया, उसी घड़ी उससे बचा लिया। अभी हम लोग देखें, जीव हमें नरक की ओर ले जाता है। आज बहुत प्रभु का लोग प्रभु को जान करके भी जीव के द्वारा वो लोग नरक की ओर जा रहे हैं। लेकिन जरा देखिए, ये पापी उसका जीव को कैसे यूज किया, कैसे उसने व्यवहार किया, और उसी घड़ी यीशु मसीह ने उसको उद्धार दे दिया, क्योंकि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह काल आज और युगानुयुग एक सा है, इब्रानी 13:8 में, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। बाइबल में लिखा है, यदि तू मुंह में यीशु को प्रभु जानकर के अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर यीशु मसीह को आप प्रभु जान करके अंगीकार करते हैं, अंगीकार बोलने से आपके जीव से आप बोलते हैं, यीशु मेरा प्रभु है,
अगर आप बोलते हैं, आपका जीभ को इस्तेमाल करते हैं, उस डाकू ने बोला हे यीशु, डाकू ने बोला हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब आप यीशु मसीह को प्रभु जानते हैं, अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं, आपका जी में बोलते हैं यीशु मेरा प्रभु है, और मन में विश्वास करते हैं, हृदय में विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, बाइबल में लिखा है, तो तू निश्चय उद्धार पाए, उसमें कुछ भी संदेह नहीं है। आप मुंह से बोलते हैं तो, आपका जीभ को व्यवहार करते हैं तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे। बाइबल में लिखा है इब्रानी उसका 10 अध्याय उसका 21-23 में, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान जाजक है जो परमेश्वर के घर की अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह की शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। यीशु मसीह हमारा महाजाजक है, खाली जाजक नहीं, वो महाजाजक है, महाजाजक है। पुराने नियम में आप पढ़ेंगे तो महाजाजक लोग इस्राएल जाति के लिए बलिदान लेके, सेक्रीफाइस लेके परमेश्वर का पास जाते थे, महाजाजक प्रजाति के लिए। यीशु मसीह महाजाजक है वो सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के लिए अपना लहू लेके, सेक्रीफाइस लेके, बलिदान लेके परमेश्वर का पास किया। जितना जन विश्वास करते हैं उनका उद्धार हो जाता है, और सिर्फ उतना नहीं, यहाँ लिखा है आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आपका आशा क्या है? क्या वचन जो बोलता है आप उसको आशा रखें? अगर वचन कहता है आप स्वर्ग जाएंगे, क्या आपका आशा है आप स्वर्ग जाएंगे? वचन कहता है आप चंगा हो गए हैं, क्या आपका आशा है मैं चंगा हो गया हूँ? वचन कहता है आकाश के पंखियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता खिलाता है, क्या तुम उससे श्रेष्ठ नहीं है? तुम्हें सब बातें दिया जाएगा। आपका आशा क्या है? आप क्या अंगीकार करते हैं? यहाँ लिखा है आशा के अंगीकार को दृढ़ता से था मेरा अंगीकार। आप क्या बोलते हैं? आप क्या घोषणा करते हैं? आपका जीभ को, जीभ में आप क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। परमेश्वर का वचन सच्चा है। यीशु मसीह ने बोला आकाश पहाड़ टल जाएगा, ये वचन का एक बूंद भी नहीं टलेगा। वो सच्चा है, उसका प्रतिज्ञा सच्चा है। आप टेस्ट कर सकते हैं परमेश्वर ने जो कहा है, जो कुछ प्रतिज्ञा की है वो उसको पूरा करने में विश्वस्त है, वो सच्चा है। सिर्फ आपको उनका वचन को आपका जीव में इस्तेमाल करना है। कौन सा वचन, कौन सा प्रॉमिस, कौन सा प्रतिज्ञा में आपका भरोसा है? आप बोलते रहते हैं परमेश्वर का प्रतिज्ञा को बोलते रहेंगे, वो विश्वस्त है, वो स्वर्गदूतों को भेजेगा, वो उसको पूरा करेगा। आप मूर्ख नहीं हो के आप ज्ञानी हो जाइए। परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का प्रतिज्ञा को आपका जीव में आप बोलते रहिए। वो विश्वस्त है, वो सच्चा है। बाइबल का हर एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, इसको कोई मनुष्य ने नहीं लिखा। इसे लिखा है पहले जान लो कि ये मनुष्य की इच्छा से नहीं हुआ है,
परमेश्वर सच्चा है। जो कुछ प्रतिज्ञा आप जानते हैं, पढ़ते हैं, आशा है, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। आपका जीव को आप इस्तेमाल कीजिए, आप जयवंत जीवन काटेंगे, आप जय होंगे। आपको मालूम होना चाहिए, हम जो कुछ बोलते हैं परमेश्वर वही करते हैं। गिनती उसका 14:28 में लिखा है, इसलिए उससे कहा, उनसे कहा कि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तूने मेरी सुनते कही है, परमेश्वर सब सुनते हैं, जो बातें तुमने मेरी सुनते कही है, निस्संदेह मैं उसी का अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, परमेश्वर सब सुनता है। आपको समझ होना चाहिए, शब्द नष्ट नहीं होता है। आपका पास मोबाइल है, अमेरिका में कोई है, अफ्रीका में कोई है, ऑस्ट्रेलिया में कोई है, कितना दूर में कोई क्यों ना हो, अब यहाँ से कुछ शब्द बोलते हैं, वही साउंड, वही शब्द सैटेलाइट के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा उस आदमी तक पहुँचता है। ज़रा सोचिए, आपका शब्द यहाँ बोलते हैं, आपका पड़ोसी को नहीं सुनाई देता है, लेकिन वो शब्द नष्ट नहीं होता है। वो कितना दूर समुद्र पार हो गए, कितना हजार हजार किलोमीटर दूर तक वही शब्द पहुंच सकता है। तो इसलिए बाइबल में लिखा है, इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरा जीवन की सफर, जो बातें तुमने मेरी सुनती कही। अब जो कुछ बोलते हैं परमेश्वर सुनते हैं, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। यीशु मसीह ने बोला नया नियम में, मत्ती रचित सुसमाचार 12:36-37 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह बोल रहे हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, निकम्मी जो काम का नहीं है, न्याय के दिन वे हर एक उस बात को लिखा देंगे। जो जो निकम्मी बात मनुष्य कहेंगे, न्याय का दिन हर एक उस बात का वो लिखा देंगे। जो निकम्मी बात कहेगा उसको ही लिखा देना पड़ेगा। अब न्याय का समय आप नहीं बोल सकते उसका चलते मेरा ऐसा, उसका चलते मेरा ऐसा। अब बुद्धिमान हो जाइए, दूसरा का दोस्त मत लगाइए, खुद का जीव को बारे में आप सोचिए। अब क्या बोलते हैं आप जरा सोचिए। आप अगर निकम्मा बात बोलते रहते हैं तो न्याय के दिन उसी बात का लेखा आपको देना पड़ेगा। उसके बाद लिखते हैं यीशु मसीह ने, बोलते हैं, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, बातों के कारण आप निर्दोष भी हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, बातों के कारण आप चंगा भी हो जाएंगे, बातों के कारण आपका धन संपत्ति आएगा, बातों के कारण आप जह पाएंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आपका बात ही आपका जीवन को तैयारी करता है, आपका जीव ही आपका जीवन को तैयारी करता है, आपका जीव ही आपका बच्चा लोग को तैयारी करता है, आपका जीव ही आपका परिस्थिति को तैयारी करता है, आपका जीव ही आपका परिवार को तैयारी करता है। तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आपका बातों का ही कारण आपका बिजनेस, आपका बातों ही का कारण आपका जीवन निर्भर करता है। क्योंकि अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अजीत मोशन ने क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन आप बोलते हैं तो गारंटी है आपका जीवन ऐसे नहीं रहेगा। क्यों, कारण क्या है? यीशु मसीह ने जोना रचि सुसमाचार उसका 6:63 में से लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, आत्मा तो जीवन दायक है,
आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा में जीवन है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है, यीशु मसीह बोल रहे, जो बातें मैंने तुझसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। यीशु मसीह ने खुद बोल रहे, जो बातें मैंने कही है, यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ जो बातें है, परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ जो बातें है वह आत्मा है और जीवन भी है। इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आपको समझ में आता है, आप जान पाते हैं आपका साथ आत्मा बातें करते हैं, क्योंकि आप एक आत्मा है, आप वो शरीर में रहते हैं, आपका आत्मा का साथ बात करने के लिए आत्मा का ही आवश्यकता है। यीशु मसीह ने बोलते हैं, मैं जो बातें तुमसे कही वो आत्मा है, सिर्फ आत्मा नहीं उसमें जीवन भी है। पावर जिसमें जीवन है उसमें है, परमेश्वर का वचन में जीवन है, परमेश्वर का वचन में पावर है। जब आप परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन को आप व्यवहार करते हैं, आपका जीव को यूज करते हैं, आप अद्भुत काम को देखते हैं। हमेशा परमेश्वर का वचन को आपका जीव के द्वारा व्यवहार कीजिए, कभी आप नहीं हारेंगे, जिंदगी में नहीं हारेंगे। अब जो चाहेंगे वही हो, कभी आप फेलवर नहीं होंगे, क्योंकि हर एक चीज परमेश्वर का वचन से ही बना गया है। हमेशा परमेश्वर का वचन सुनिए, परमेश्वर का वचन के द्वारा सब कुछ बना गया है। अब जो कुछ देख रहे हैं परमेश्वर का वचन के द्वारा रचा गया है, इसीलिए सब कुछ परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। इब्रानी उसके 11:3 में लिखा है, विश्वास ही से हम जान लेते हैं कि सारे सृष्टि की रचना परमेश्वर की वचन के द्वारा हुई है। सारे सृष्टि की रचना, यूनिवर्स पूरा, ग्रह नक्षत्र तारा चांद सूरज पानी पृथ्वी, जो कुछ आप देख रहे हैं सारे सृष्टि की रचना परमेश्वर की वचन के द्वारा हुई है। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तु से बना हो, नहीं, परमेश्वर की वचन से हुई है। अगर परमेश्वर से वचन से रचा गया है तो ध्यान से सुनिए, सब परमेश्वर का वचन सुनेंगे। सूर्य सुनता है, चांद सुनता है, पृथ्वी सुनता है, पानी सुनता है, पेड़ सुनता है, आदमी सुनता है, सब सुने, क्योंकि परमेश्वर की वचन से रचा गया है, परमेश्वर की वचन से रचा गया है। यीशु मसीह उनका चेला लोग को चमत्कार होने के लिए, अद्भुत काम होने के लिए, जो बोलेगा वो होने के लिए सिखा रहे थे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11:1 उसका 22 में ऐसे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वही हो जाएगा, उसके लिए वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। पहाड़ से कहे, इसे मुझे सिखा रहे हैं। यीशु मसीह ने एक अंजीर का पेड़ को कहा और कोई फल उससे नहीं खाए, एक पेड़ को कहा, एक पेड़ को।
और चला लो देखा, दूसरा दिन उसका पेड़ जड़ से सूख गया था। तो यीशु मसीह ने उनका चला लो को सिखाया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जीसस ने बोल रहे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे, आपको कहना है, आपका जीव को व्यवहार करना है, तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वही हो जाएगा। आप जो कहते हैं विश्वास का साथ कहिए, उसके लिए विश्वास के साथ जो कहता है उसके लिए वही हो जाता है। जरा सोचिए, यीशु मसीह ने यहाँ पेड़ का साथ बातचीत करता है, पेड़ को कहा और पेड़ सुना। मेरे लाइफ में, मेरे सबके में से हुआ था, एक विश्वासी थे, उसका अमरूद का पेड़ था, वो खा नहीं पाते थे। उसने मेरा पास आए, पास्टर मैं, हम लोग फल खा नहीं पाते हैं। बोले क्या हुआ? उसमें कीड़ा लग जाता है, फल पकते ही, शुरू होने का आगे ही कीड़ा लग जाता है। मैंने बोला पहला फल लेकर आओ, मैं प्रार्थना करूँगा। उसने उस साल जब हुआ पहला फल, उन्होंने लेकर गया, मैंने प्रार्थना किया। मैं आपको सच बोलता हूँ, मेरे जिंदगी में फर्स्ट टाइम वो था और कीड़ा नहीं लगा। पेड़ सुनता है। बहुत बड़ा प्रभु का दास डेविड एंगी चुते, उसने कहे आप दो पेड़ को लगाइए, एक ही दो ठो गमला में, सेम मिट्टी, एक ही पानी, एक ही तरह उन दोनों पेड़ को ट्रीटमेंट कीजिए। एक पेड़ को श्राप दीजिए, एक पेड़ को आप आशीष दीजिए। आप देखेंगे जो पेड़ को आप श्राप देते हैं, सूख जा मर जा बोलते हैं, वो पेड़ सूख जाएगा मर जाएगा। पेड़ सुनता है। आपका जीव में क्या पावर है, परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ दिया है आपका जीव को इस्तेमाल करने के लिए। आप इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर का लोग आप बुद्धिमान हो जाइए। शैतान का शब्द को नहीं सुनिए, लोगों का शब्द को नहीं सुनिए, खुद उनका शब्द को नहीं बोलिए। आपका जीव को आपका ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका शब्द का अनुसार ही न्याय होगा। आपको अकेला सामना करना पड़ेगा, न्याय का सिंहासन में आप दूसरा को नहीं ले सकते हैं, आपको अकेला सामना करना पड़ेगा। आपका शब्द का अनुसार ही न्याय होगा। पेड़ सुनता है, सिर्फ पेड़ नहीं, जो नरजी सुसमाचार में 11:43-44 में लिखा है, मुर्दा भी सुनता है। यीशु मसीह ने डेड बॉडी के पास गया, लाजरस का, और क्या कहते हैं, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया। ध्यान से सुनिए, मुर्दा निकल आता है, मुर्दा सुनता है, जो मर गया है वो सुनता है। आपका जीव में क्या पावर है। यीशु मसीह ने खुद ऐसे नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ मुर्दों को जिलाओ। मेरा सबका हमेशा हुआ है, मुर्दा को जिलाओ, मुर्दा जिंदा हुआ मेरा सबका में, मुर्दा को जिलाओ। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला, और जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा उसे खोल दो और जाने दो। आपका जीव में क्या अद्भुत सामर्थ्य है, आपका जीव में क्या अद्भुत सामर्थ्य है। आपका जीव को आप व्यवहार कीजिए, परमेश्वर का वचन बोलिए, प्रतिज्ञा बोलिए, आपको जो चाहिए वो बोलिए। इतना तक कि बहरा भी सुनता है,
अब पढ़ेंगे, अब जानेंगे तो खुश हो जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 32 से 35 तक पढ़ेंगे। लोगों ने एक बहरे के जो हकला भी था उसके पास ला करके उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखें, तब वो उसकी भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देख कर आ भरी और उससे कहा, इपत्ता इतप्पा, अर्थात खुल जा। उसने कहा खुल जा बहरा जो नहीं सुन पाता है, खुल जा। उसके कान खुल गया और उसकी जीभ भी गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। जरा सोचिए, बहरा नहीं सुनने वाला, परमेश्वर के वचन सुनता है। जरा सोचिए, बहरा नहीं सुन सकता। आप दुनिया में देखते हैं बहरा है तो आप क्या बोलते हैं, वो बहरा है, वो नहीं सुनता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बहरा भी सुनता है, मुर्दा भी सुनता है, पेड़ भी सुनता है, पानी भी सुनता है, सूर्य भी सुनता है। आप जो बोलेंगे वही होगा। मैं आपको एक सीक्रेट, एक गुड बात आपका जीव के बारे में बता करके जल्दी ख़त्म करूँगा। ध्यान से सुनिए, आप जो कुछ बात बोलते हैं नहीं होता है कभी कभी, क्यों? बहुत लोगों को मैंने देखा, वो लोग बोलते रहते हैं, यीशु मसीह ने कोड़े खाया मैं चंगा हो गया, यीशु मसीह ने कोड़े खाया मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। लेकिन वो चंगा नहीं होते हैं। मैं से बहुत लोगों से देखा, वो लोग वचन को बोलते रहते हैं, यीशु मसीह ने कोड़े खाया मैं चंगा, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं। गाना भी गाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं हो, घटी में पड़ते हैं। यीशु मसीह ने कोड़े खाया लहू बहा है मैं चंगा हो गया, लेकिन वो चंगा नहीं होता है। कारण क्या है? उसका कारण है वो हृदय से नहीं बोलते हैं, वो माइंड से बोलते हैं, वो खाली मुंह में बोलते हैं, लेकिन उनका हृदय में वो नहीं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मन में विश्वास करे, जो कहता है मन में विश्वास करे कि वैसे होगा तो ही वैसे होगा। इसीलिए बोलने से आगे आप सोचिए, कौन सा वचन आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप सोचिए, सोचिए ज़्यादा। बाइबल में लिखा है जो रात दिन व्यवस्था ध्यान करते हैं, मेडिटेट, उसको सोचिए। जो कुछ वो करता है वो सफलता, उसका सोचिए। जब आप सोचते हैं, जब उस वचन आपका हृदय में रहता है, माइंड में नहीं, माइंड में बात आता है जाता है, लेकिन जो माइंड में आता है, जो वचन आता है, आप सोचते हैं तो उसको आप दिल में ले लेते हैं। आप सोचिए। यीशु मसीह ने सीखा है, बोने वाला वचन बोता है, कितना आदमी सुनता है, लेकिन संसार का चिंता वो वचन को दबा देता है, तो फल नहीं ला पाते हैं, चिड़िया उसको ले लेता है। वचन को सोचिए, खुशखबरी है, तरीका है। अब जो बोलेंगे वही होगा, कैसे? नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 18 पद में ऐसे लिखा है, यदि तू उसको अपने मन में रखे और वह सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो वो मनभावनी बात होगी। यदि तू उसको अपने मन में रखे, अगर वचन को आप मन में हृदय में रखते हैं और हृदय से मुंह में निकला भी करे, उसका मतलब आपका हृदय प्लस आपका जीव इजिकल टू मनोभावनी। आपका हृदय, आपका जीव तो फल। जब आप हृदय में रखते हैं,
आप सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं, और जीभ को मुंह से निकलाया भी करते हैं, आप जीभ से बोलते हैं वो मन भावनी बात होगा। अब वचन सोचिए, क्या आप माइंड में है या आपका हृदय में है? माइंड में है तो उसको हृदय में लाइए, हृदय से विश्वास करके मुंह से बोलिए। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आपका परिस्थिति बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका बीमारी चंगा हो जाएगा। कितना बड़ा परेशानी हो, दुष्ट आत्मा का बंधन हो, कुछ क्यों ना हो, नहीं रहेगा। आप मुंह से बोलते रहिए, परमेश्वर का वचन बोलिए, परमेश्वर का वचन को ध्यान कीजिए, उसको हृदय में रखिए। वो प्रतिज्ञा जो किया है वो विश्वस्त है, वो निश्चय उसे पूरा करेगा। हम जो बोलते हैं परमेश्वर निस्संदेह है, जो परमेश्वर सुनते हैं निस्संदेह है, वो वैसा ही करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो बातें तूने कहा, बातों के कारण तुम दोषी, बातों के कारण तुम निर्दोषी ठहरे हुए। आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए परमेश्वर का वचन आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, सोचते रहिए, सोच कर आपका जीव को व्यवहार करके आपका जीवन को आप उपभोग कीजिए। आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपका परिस्थिति, सब कुछ के लिए आपका जीव को आप इस्तेमाल कीजिए। आपका जीव आग है, बाइबल में लिखा है जीवन और मृत्यु जीव के अधीन में है, जो उसको काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। आपका जीव का अधीन में जीवन भी है और मौत भी है। आपका जीव को इस्तेमाल कीजिए, आपका जिंदगी बदल दीजिए। परमेश्वर आप आशीष दें।